नमो लोये सविषामुनि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानाम जैनम जेतु सासिनम नमः श्री वर्धिमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोक्यानां यद्विद्यादर्पणानीति श्रीमत्परं गंभीरं स्यादवादामोगिलांचिनं जियात्रिलोकिनाथस् सासिनं जिन्सासिनं देवादिदेव श्री शासननायक भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण महापर्व की दस लक्षण धर्म के धनी पांच पांडव महामुनिराज की समस्त वीतरागी निर्गंत महामुनिराजों की पांडव पुराण कौरव को और पांडवों का पुनः हस्तिनापुर में राज्य आधा आधा राज्य विभाजन और इंद्रप्रस्तादी पांच महलों की सुंदर महलों की रचना एवं उनके पुण्य से पुनः कौरवों का ईर्ष्या करना शकुनि की सलाह से पांडवों को भोजन पर आमंत्रण काय के लिए बुलाया था? आप हमारे यहाँ भोजन के लिए हार के लिए पधारें। समझदारों की जो समझते नहीं हैं उनको पछताना पड़ता है। कभी कभी छोटे भी अच्छी सलाह दें तो बड़ों को मान लेना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? दोनों तीनों चारों भाइयों ने कहा कि बेटा भैया मत चलो, लेकिन युधिष्ठिर जी को इतनी सरलता थी कि वे जानते ही नहीं थे कि कपट का इससे कहते हैं। इस संसार में रहना है तो संसारियों का स्वरूप समझ लेना, नहीं तो ये संसारी तुम्हें कब फंसा लेंगे पता नहीं चलेगा। उसके लिए जो संसार में भी रहते हैं और समय सार में भी रहते हैं ऐसे विज्ञजनों से का परिचय अवश्य रखना चाहिए। संसार में भी रहते हैं और समय सार में भी रहते हैं मतलब क्या? तुम तो बोले हो विका जाने कूटनीति कैसी होती है, राजनीति कैसी होती है। चले गए थे, भोजन हो गया था और जैसे ही भोजन हुआ है तब क्या होता है? बैठे बड़े करे कराए स्नेह से भोजन जाना चाहे तो दुर्योधन ने चरण गए। भोजन कर लिया और भोजन करके जैसे पांचों भ्राता जाने लगे हैं तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर के पैर पकड़ लिए। थोड़ी देर चौपट खेलो मनोरंजन हम कर, क्या बोले? थोड़ा सा कुछ खेल लो भैया, बहुत दिनों के साथ अपना भोजन साथ में हुआ है, कछु बचपन की भी याद आ रही है। बोले का कि जब पांच आप लोग मिलकर हम 100 को हमेशा हरा दिया करते थे,
अपन हमेशा कोई खेल खेलते थे, तुम्हारी भाषा में कहें तो खो खो खेलते थे, अब खो खो जानते हो करे जाते, अरे क्रिकेट खेलते थे तुम्हारी भाषा, आज की क्रिकेट व्रिकेट बढ़ते वो सब कर तो हमेशा हमें हराया करते थे, हराया करते थे। हम सो हो जाते भैया और आप पांच, और पांच ही, और उसमें भीम भैया तो ऐसे थे नहीं सोच रहे आना जाने क्या चाल चले वाला है, बिर पे कछुआ सर नहीं हो रहा कोर्ट पे भीम पे बिजाड़ रहे थे। ऐसे ही ज्ञानी मोह कितने ही रूप लेके आ जाए ज्ञानी पे कुछ असर नहीं होता है, ज्ञानी जानते हैं मोह क्या है। वो चाहे पुण्य का रूप लेके आ जाए चाहे पाप का रूप लेके आ जाए, जब पाप उदय का रूप लेके आता है तो विपताएं देता है, और पुण्य उदय का वो ही कर्म रूप लेके आता है तो संपत्तियां देता है, लेकिन धर्मात्मा किसी में नहीं फंसा करता। भीमसेन बोले भैया हमारी सलाह मानो, शीघ्र यहां से निकल चलो। अरे भीम तुम्हारे रहते हुए अपने गड़ा रहे, कह रहे हैं खेलने की तो बैठे जाते हैं थोड़े से हैं, काका कह रहे हैं जो का भैया ये जुआ है का, ये खेलना नहीं चाहते हैं, ये तुम्हारा पुण्य छीन करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक हमारा जो कुछ हो रहा है वो पुण्य से हो रहा है, हमारी पुण्य और पवित्रता आज तक बनी है। इसलिए अर्जुन बोले धीमे से भैया बैठ मत जाना, मुझे लगता है किसी से सलाह लेकर के आया है। आज तक अग्नि से अपन निकले, बड़ी बड़ी विपत्तियों से निकले, उसमें धर्म सहाय हुआ था और हमारे साथ थे, अब धीमे से सलाह दी और इधर वो कह रहे हैं भैया बैठ जाओ ना। बड़े थोड़ी देर बोला शकुनी से, काल उस्ता तुम्हारी नस्ते पाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में युधिष्ठिर ने निषेधा। भैया भाई ये योग्य नहीं है, तुम हमारे छोटे भाई हो और ऐसा कुछ नहीं, अभी भी बचपन है अपना, लेकिन ये योग्य नहीं है, ये तो पाप है। ये तो युधिष्ठिर ने निषेधा तो पुनः पुनः वो चरणों में सो ही आ गए, कौन एक नहीं सब एक साथ। अरे भैया कैसी बात कर रहे, आज बड़ा मिलन हो रहा है, और युधिष्ठिर जी को अंदर अंदर से तो बड़ी खुशी हो रही है, कहा कि कम से कम कलुषता मिट गई। अरे कलुषता मिट नहीं गई, कलुषता बढ़ने वाली है, चलो आज प्रसन्नता भाई। कहा कह वो चाह रहे हैं थोड़ी बैठ जाते, बस बैठे मरण हुआ। हम कहते हैं कि चारुदत्त को हाथी के पैर के नीचे चले जाने थी, पर वैश्या के घर में नहीं जाने थे, क्योंकि ऐसे घरों जाना ही नहीं चाहिए। दोनों ओर से हाथी छोड़े थे ना, मर जा ते छोड़ दे थे, पर कौन ऐसे चारुदत्त थे बतो है ना कथा, बस दोनों ओर के हाथी देख करके ही तो ओ चाचा बोला नहीं दो मिनट के लिए घर में चले चलते हैं, और वहां देखा तो राग रंग, अरे थोड़ा खड़े रहे ऐसी निकल जाने दे, कोई का घर हो नहीं खड़ा रहे, लेकिन अगर चले भी गए तो देखते तो तत्काल निकल आने दे, चाचा तुम जिंदा रहो मुझे तो मर जाना श्रेष्ठ है, परंतु ऐसे स्थान पर खड़े होना श्रेष्ठ नहीं। अगर ऐसा निषेध करके दृढ़ता पूर्वक आ जाते तो चारुदत्त के सुंदर से चरित्र में ये थोड़ा कलंक ना लगता, जो उनका सुंदर चरित्र है आप पुराणों से बाचा करते हो, कैसा धर्मात्मा का रूप था उसका कि अपनी पत्नी की ओर नहीं देख रहा था, ये ऐसा धर्मात्मा का रूप था उसका। इसलिए भैया
कुसंग से हमेशा बचना चाहिए। भावदीप का ग्रंथ में आता है कि कसायों को मिटाने के लिए कुसंग को छोड़ो, पहला नंबर। बोलो क्या? बोलो भैया, कुसंग को, सत्संग में रहो और ज्ञान अभ्यास करो। तीन बातें आ गई। और ज्ञान अभ्यास कैसे करें दीप से भैया? आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञान अभ्यास करो। भावदीप का, भावदीप का ग्रंथ में तो पहला वाला आता है, वो सत्ता स्वरूप में दूसरा वाला आता है। तो बैठे, आग्रह बहुत किया, आग्रह करने पर वो बैठे नकुल, वो सुकनी भी कहने लगा, अरे राजन नीति समझना चाहिए, आपका प्रेम मिलन हो रहा है, मुझे तो देख देख के बड़ी खुशी हो रही है, थोड़ा आप बैठ जाइए। ये दो इष्टेर ने निषेधा भीम, बोले कौन सी चाल चलो, बोले अर्जुन क्या पुण्य छीन कर फिर जलाना चाहो। अरे नकुल बोला, ये अग्नि ही तो जिसमें भैया जलना चाहते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। युधिष्ठिर बोले, वो भीम बोले, कहा अब कौन सी चाल चलन चाह रहा है तू? हैं? अर्जुन बोले, क्या पुण्य छीन करके जलाना चाह रहा है दोबारा अग्नि में? नकुल बोले, भैया अग्नि में जलाना नहीं चाह रहा, अग्नि तो हैगी, ये क्या जुआ है ना, क्या है, आगी तो है। पैर पकड़ दुर्योधन कहे, भैया बचपन सम ही खेल, जिसमें आप जीते थे भैया वो ये खेल। सहदेव बोले, पाप का खेल है जिसमें पापी ही जीवित रहते हैं, जिसमें पापी ही जीतते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। ये सवरे भैया हमारे हृदय में आके कैसे बैठ गए थे उस काल में पता नहीं। तो क्या बोले भीमसेन? बोल रहे थे, फिर अर्जुन बोले, फिर बोलो भैया, नकुल बोले, और सहदेव जी क्या बोले आखिरी में? बोलो कि सहदेव जी क्या बोले? ये पाप ही है ये, बोले हमेशा तुम जीता करते थे बचपन में। तो बोले, पाप के खेलों में पापियों की ही जय होती है। धर्मात्मा पाप के कार्य करने जाएगा तो पराजय हो जाएगी। कैसी बात करते हो? अब मैं थोड़ा सिद्धांत ले रहा हूँ, घबराना नहीं, अंधेरी है रात्रि, क्योंकि धर्मात्मा जो तद्भवमोक्षगामी आदि होते हैं उनका पापानुबंधी पुण्य नहीं होता, और इनका तो उस जाति का, अगर वो अन्याय का काम करने जाएगा, अवक्ष सेवन करेगा, वो धर्मात्मा होगा तो फलीभूत नहीं होगा। मतलब उसकी जब अच्छी गति होना है, पाप करके उनको ही फल उत्तम लगता है, फल उनको दिखता है, जिनको दुर्गति जाना है, जिससे उनको पाप कार्य के प्रति विश्वास जगे। देखो भैया, एक नंबर का इतने दिनों से कर रहे थे, आज दो नंबर को शुरू करो, खूब बढ़ेगा। काय? क्योंकि दुर्गति जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? और धर्मात्मा ऐसा काम करेगा नष्ट हो जाएगा। तो सहदेव जी बोले कि ये पाप के दूत में तुम्हें जीतोगे, हम नहीं जीत पाएंगे, ये पक्का बता रहे हैं। बोले दीताड़ना युधिष्ठिर ने सभी भ्राताओं को, नहीं नहीं भ्राता हमें देश नहीं, छोड़ो इन बालकों को। दुर्योधन से बोले, देखो भैया सब कैसे बोल रहे हैं? बोले कैसे, चुप रहो, कितना स्नेह हमारे प्रति दिखा रहे हैं और तब भी तुम बेई बातें याद कर रहे हो,
कछु नहीं का सोचना चाहिए, किसी के वात्सल्य को स्वीकार करना चाहिए, किसी के स्नेह को स्वीकार करना चाहिए। द्रिजन ये तो बच्चे हैं, तुम समझदार हो, छोड़ो, तुम क्या चाह रहे हो वो मैं करने तैयार हूँ। खत्म, क्या हो गया? हाँ, जैसे ही कहा, हम खेलते हैं क्या युधिष्ठिरि बैठते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। बैठे खेल पर रूप उसने जुआ कल लिया। क्या हो गया? वो शुरू हो गया जुआ। और वे क्या कहते हैं अभी पांडव पुराण में, और देख के मैं आ रहा हूं कि भैया हमेशा हम एक तरफ होते थे, सो और आप एक तरफ होते थे, तो सो एक साथ पांच ही फेंकेंगे, पांच एक साथ का मतलब अब तुम सो लगाओगे नंबर तो कोई ना कोई को तो लगा ही जाएगा। आए गए समझ में? सो है ना वो, हम पांच सो एक कौरव एक साथ, और पांडव बचपन में भी यही करते थे, बोले एक एक के संग एक एक छोड़ी फिर तो वो हो जाएगा। बोले ये तो बढ़िया, अपनों को राज्य में भी ऐसा ही तो हुआ है, पांच एक साथ और सो हम एक साथ, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? देखो शुरू हो गया चाल, मतलब क्या बां वो दूसरे ने पांसे पलट रहे हैं, और जहां वे सो हैं तो कोई ना कोई का पांसा वो पलटवाई देता था। कौन? हाँ इधर वो ही बैठा है सो के साथ, मां जैसे इतने कसायन के संगे मिथ्या तौर बैठा हो तो फिर खतरनाक ही का हो जाओ। कसाया ही अपने आप में खतरनाक है, और उसके साथ में महाराज मिथ्या तौर हो, ये कसाई तो ज्ञानियन को तक तो तड़फड़ा जाते हैं इन कसायों में। इस राग में ज्ञानियन की दशा भी ऐसी दी जा देखी जाती है, और मिथ्या तौर और के साथ में तो पूछ नहीं क्या, देवगुरु को ही भूल जाएंगे। कुछ समझ में आया? सो थे एक साथ ये भैया, और उनके साथ में कौन था? दुष्ट शकुनी। अब भी ने कही फेंक वो पासा डालो, हम ना जानते भैया इसलिए। हाँ समझ गए, उनने कही फला नंबर लाओ, तो अब सो डालेंगे एक साथ, और एक साथ डालेंगे तो सो को देखने कौन जा रहा है? तो शकुनी ने किसी का पलट दिया भाई, ऐसे कर दे तो वो कर दिया, तो वो क्या होता गया? हारते गए। अब ये पांच अकेले, और कबू का जाने का खेल कैसे खेले? अब ऐसा करना भैया, तुम ऐसे डाल देना, तुम ऐसे भी खुद बता रहे कौन। अच्छा अब एक काम करो, इसमें कुछ लगाया जाता है। देखो जुगा हो गया शुरू। अरे नहीं वो तो खेल का खेल है, लगाया जाता है, खेल का है। तो उन्होंने कहा ये लगाया, और देखो ये होगा, अरे हमारे ओन ने लगाया पर ये, और ऐसा करते करते कौ पूरा राज्य लग गया, और कब भाई लग गए, और उनकी धर्मपरायण पत्नियां लग गईं पता ही नहीं चला। छोटा सा भी राग तुम्हें, छोटा सा भी विकल्प तुम्हें, कैसा हैर विपरीत आ जाए तो कैसा मार देगा पता तुमको नहीं चलेगा, जिना ज्ञा ऊर्द रखना। अग्रसो अयोग्य कार्य कभी ना बरते भाई, बैठे खेल पर रूप उसने जुआ कले लिया, जैसा वो कहीं युधिष्ठिर ने वैसा ही किया। एक और समस्या, एक तो भाई सो एक साथ, और युधिष्ठिर जी वही डाल रहे थे, वे ही कह रहे थे जो वे कहते जा रहे थे। भीम रोकना चाहे पर
डर सो उन अन्यत्र जाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। भैया रुक जाओ, भैया अब कुछ नहीं लगाना। अर्जुन रोकने लगे, भीम रोक, भीम बोले कुछ नहीं जानते भैया। भीम आज तुम बहुत बोल रहे हो, अब योग्य नहीं रहेगा। मैंने कहा ये आज तक नहीं बोले तुम इतना, आज तो तुमने बिना एक तरफ धर दी। नहीं भैया ऐसा नहीं, नहीं भैया तो फिर उठो जहाँ से चले जाओ। कौन झुलझुला गए भाई, चुप रहो या फिर उठो। तो वे देख नहीं पाए, भैया क्षमा करियो, थोड़ी देर और देख करके मन खराब हुआ सो भी तो उठ के चले गए। तुम्हें दिखाई दे करो अपनी भाषा कह दो, हाँ अब लुटने और कछु नहीं हो रहे, लुटने और आखिर ये कह देगा ये जुआ है, हार गए सब, यही रिजल्ट आने वाला है। और छोटी छोटी चीज़ें अभी लगा रहे थे और जैसे ही भीम गए, भैया भैया छोटी छोटी का पूरा राज्य लगाओ ना। अब तो भीम ही चले गए, अर्जुन ही चले गए, अब कोई समझाने वाला अभी, जब वे उनको डांट दिया तो वे छोटे छोटे कौन, वे तो बेचारे वैसे ही डर गए। अब वे कब बोल पाएंगे तो बताओ है? अगर जब भैया को हम डांट दें पूरी सभा में तो तुम लोग तो वैसे ही चुप होकर बैठ जाओगे कि जी भैया को डांट दिया पर गाय में लगा था, अपन से ही गलती हो जाएगी, पर तो सब साइलेंट हो जाए। अब क्या होता है जब सब चले गए तो लुट गए, फिर क्या है वो अकेले मत रह जाना, नहीं लुट जाओगे, ध्यान रखना, अपनी कसाय दिखा करके गुरजनों को मत छोड़ देना, समझदारों को मत छोड़ देना। जब भी गुरजन नहीं थे तब तथापि उस समय गुरजन थे, अच्छी सलाह देने वाला छोटा भी बड़ा होता है, उसकी भी मान लेना चाहिए, नेक सलाह छोटा भी दे, कौन छोटा कौन बड़ा भाई। लगा दिया साम्राज्य हार गए सबई वो तो भाई, अंत में स्वयं को बा भाइयों को सबको लगाते दिखाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। अंत में स्वयं को लगा दिया और चारों भाइयों पत्नियों को नहीं लगाया, ध्यान रखना वो रिश्ता कैसा हो गया है। फिर अट्टास कर बोला दुर्योधन, सब सेवक हैं भये और भ्राता ये खेल नहीं है, जुआ इसको कहें। आखिरी में क्या बोला है भैया, जे कोई खेल नहीं है बच्चन के, पूछ लो किसी से जाकर जे क्या हो रहा था। बोले इसमें जीती हुई वस्तु जी जाती है कि नहीं दी जाती है, अब कुछ मिलने वाला और तुम पांचों के पांचों हमारे सेवक हो गए। सेवक बत सेवा करो हमारी, पांचों सो कहते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। जब ये सेवक भए तो इनकी जो रानियां हैं वे तो, ये नौकर भए तो नौकरानी भी हो ही गई, जब तुम सेवक हो तो भी हमारी सेविकाएं हैं। लगाया हो ये वाली बात नहीं है, क्या कहा, जब तुम सेवक हो गए तो वे तो हो ही गई हमारी, तो ऐसा लगा करके इनकी रानियां वैसी विकाएं सभी सो कहते वे, दासी सम कार्य कराएंगे अब दुर्योधन कहे। सुनो दासियों, तुम्हारे संग की दासियां हमें और मिल गईं, बुला कर ले आओ उन्हें और अपने साथ काम कराओ। दुशासन द्रौपदी के रूप पर मोहित हुआ दिखाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। दुशासन तो पहले से ही द्रौपदी के रूप पर मोहित था,
उसको दुष्ट को अवसर मिल गया तो अन्य रानियां तो नहीं आ पाई। उसके पहले ही दुशासन द्रौपदी के महल में चला गया, जो पांडव पुराण में जो वर्णन आता है। और द्रौपदी के महल में गया, गया महल में शील विरुद्ध वचन कहे दुखदाई। बोले आज से नौक सेविकाएं हो गई तुम, और अगर तुम्हें इससे बचना है तो मुझे स्वीकार कर लो। किससे बोले? द्रौपदी से। कौन बोला? दुशासन। दुर्योधन का कोई प्रसंग नहीं आया पंडित पुराण। और शील हरने की सोचे तभी सती कहती है भाई, छूने से पहले प्राण तजूंगी, कह प्रभु को सुमरते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। हे दुष्ट, जैसी पकड़ना झपड़ना चाहे, हे दुष्ट, तेरे स्पर्श के पहले ये सती प्राण छोड़ देगी। ये हमारी आन है, इसीलिए मेरे निकट मत जाना। तू उस पतंगे की तरह है, दीपक को छुएगा तो जल जाएगा। मैं दीप सिका के समान हूं, तू मुझे अकेला मत समझना। अरे तेरे जो साथ है वे तो हमारे सेवक हो गए। बोले तीन लोक के नाथ मेरे साथ में। और जैसे बोले तेरे को कौन बचाने आता है, तो जैसे ही वो चोटी पकड़ना या पकड़ना चाह रहे थे, इतने में द्रौपदी तो भगवान की भक्ति में अर्चना में लग गए। दोनों प्राण हरिवंश प्राण पांडव प्राण में घसीट करके ले गए हो, और सभा में अगर ऐसा करने की कोशिश करी हो, ये कुछ भी वर्णन नहीं। उसका कारण क्या है कि एक सती का सतत्व कोई छू नहीं सकता है। जितने पुराण हमने वाचे आज तक, उनको छू नहीं पाया है कोई, ताकि पहले तो देवों ने उसकी मार लगाना शुरू कर दिया है। वो भी सभा में ले जाकर के इस तरह से करना, वो समझ में नहीं आता है। ये दोनों पुराणों में ये वर्णन नहीं आया। लोकोक्ति के अनुसार ही द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीता प्रति कमल रचाया, ये चलता है। लोक के अनुसार ही ये चलता है, लेकिन द्रौपदी का चीर नहीं बढ़ाया, द्रौपदी का चीर हट ही नहीं पाया। समझ में आया? द्रौपदी के पास में वो पूर्ण पवित्रता थी कि उनका तो पल्ला नीचे हो ही नहीं पाया। और जैसे ही वो उसने करने की कोशिश की है, तो वो तो भगवान की भक्ति में बैठ गई। ओ ओ प्रभु बर मारे, हो जिन वर मारे। बोलो। ओ प्रभु बर मारे, हो जिन वर मारे, थारी बिना मेरा प्रभु कोई नहीं, थारे बिना मारा प्रभु कोई नहीं। तीन लोक के नाथ मैं तो अरे अनाथ, तीन लोक के नाथ मैं तो अनाथ, तुम बिन जिन वर्जी मेरो कोई नहीं। हो जिन वर मारे, बोलो, हो जिन वर मारे, हो प्रभु वर मारे, थारे बिना मारा प्रभु कोई नहीं। मात पिता तुम्हें हो, बंधु सका तुम्हें हो, सर्वस्य त्रयी लोकपति तुम्हें मारे हो। हो नाथो के नाथ, बोलो, हो नाथो के नाथ, हो देवो के देव, थारे बिना जिनवर मेरो
कोई नहीं। ओ दिन भर मारे ओ प्रभु भर मारे थर भी न मारो प्रभु कोई। हितलोक अधिपति तुम्हारी गोदी में मैं बैठी हूँ और गोदी में बैठी हुई पुत्री की और पिता की गोद में जो बैठी है बेटी और उसके कोई शील को हर ले कैसा है? हो सकता है ही नाथ ही दुशासन आया है, ये पापी बनकर आया है। प्रभो मेरी रक्षा करो, मेरा कोई रक्षक नहीं है। जिनको रक्षक कहा जाता था बेरक्षक भी आज कोई रहा नहीं। उदय ऐसा विचित्र आया है प्रभु कि उनकी मति भी मारी गई। समझ में आया? मति मारी गई मतलब क्या? कैसे काम कर बैठे समझदार होकर के भी। योदय हमारा ही था, प्रभो मेरी रक्षा करो, परमात्मा मेरी रक्षा करो। जो ये प्रार्थना करी उसी समय क्या होता है, मानो ये आवाज भीष्म तक पहुंच गई। कहां तक? और भीष्म तक नहीं पहुंचती तो स्वर्ग पार कर जाती है। समझ में आया? ये लोक पार करके उस स्वर्ग में देवों के सिंहासन लाने वाली थी। तो इधर भीष्म जी को पता चला कि दुशासन प्रवेश कर गया है द्रौपदी के महल में और ये सब घटना तो पता ही चल गई थी। तो ये दुष्ट और क्या करना चाहते हैं, दुष्टता का अंतिम हद तो इन्हें कर ही दी। तो जैसे ही जा करके देखा कि वो द्रौपदी का शील हरना चाह रहा है, तैसे ही उन्होंने भीष्म ने जा करके क्या किया है, गया पता चला भीष्म को दुशासन की मार लगा। कौन? ऐसे मोनी बाबा बन के नहीं बैठे थे, आय और न लगाई उसकी बात। दुष्ट शर्म करना चाहिए, अब तो इज्जत भाई बेकार है, क्या होगा तुम लोगों को है? बोले ये हस्तिनापुर की शान पूरे भारत था, भारत में जाती है और ये बात है तुम्हारी सुनेगी तब क्या होगा हस्तिनापुर का है? मार लगाई गए मेल में, पता चला भीष्म को, जैसे वो छूना चाह रहा था भीष्म जी ने पीछे से आकर पकड़ा उसको। किसको? वो छूना चाह रहा था, इधर प्रार्थना करी और इधर वो हाथ पकड़ना चाह रहा था, तब तक तो पीछे से आकर ऐसा फेंका उसको। किसको? ब्रह्मचर्य का बल था, बुजुर्ग इतनी अवस्था में भी क्या भीष्म जी के पास में किसका बल था, और ऐसा फेंका तो वो खड़ के पड़ा। ओ कौन? पिता पिता भी पिता में पिता में पिता पिता में शर्म आती है, पिता में मुझसे कहता है तो ये पाप करता हुआ शर्म नहीं आई तुझे? और वो लगाई दो चार बार है उसमें किसमें, हाँ, और वो घबरा गया, अरे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ है? गया मात समाने भावज प्रति तू अरे को दृष्टि धर, ये माता है तेरी है? और क्या किया? छूने के पहले यमलोक में हम तुम्हें पहुंचाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, जी मंगल जैन भैया। घसीट के उन्हें नहीं ले गए थे, घसीट के दुशासन को सभा में भीष्म पिता में ले गए थे। किसके पास? दुर्योधन के पास। ए राजन, राजा थे ना, ये हो क्या रहा है, तुम्हारी नीति यहीं तक रह गई है? माँ पिता में ये सब मेरे सेवक हैं, तो सेवक हैं तो पाप करवाओ करोगे तुम? तब दुशासन ऐसे नीचे निकल खड़े खड़ा है, तब फिर बोलते हैं ये पाप कार्य करोगे तो मैं मौन रहने वाला नहीं हूँ। आज के बाद उन महलों की तरफ किनकी नज़र भी चली गई तो समझ लो उसकी दृष्टि नहीं रह पाएगी, तब सब के सब भयभीत हो जाते हैं। और क्या होता है? मांगे क्षमा भीष्म सो दुशासन दुर्योधन पे जाए, सब चाल सुन सेवक पना उनका छुड़वाना चाहे।
फिर जा करके कहा, देखो मैं सब स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन हे दुर्योधन, तुमको उनके सेवक पने को छुड़वाना नहीं, इनको इनको सेवक बना कर रखना ये योग्य नहीं है। मेरी एक बात मात्र माने तो हम मुक्त करते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। हे पिता, मैं आपका इस स्नेह को मैं स्वीकार करता हूँ, बस एक शर्त है मेरी, क्योंकि मेरे अंदर से कोई बोल रहा है। वैसे मैं तो पिता, मैं आपके सामने क्या बोलूं, लेकिन ऐसा लगता है कोई देव मेरे अंदर बोल रहा है। बोल तेरा पाप बोल रहा है, कोई देव नहीं बोल रहा है, तेरी दुष्ट चाल। नहीं नहीं पिता, मैं सच बोलता हूँ, आपके सामने मैं बच्चा हूँ। मैं आपके कहने से सेवक पना क्या, मैं आधा राज्य वैसा का वैसा छोड़ने तैयार हो रहा हूँ। मेरा मन ऐसा हो गया था कि मैंने ये क्या क्या हो गया। पिता, मैं आप सच कह रहे हो, परंतु मेरे अंदर एक देवता बोल रहा है भाई, ये कह रहा है कि इतनी शर्त तो दुर्योधन तुमको रखनी पड़ेगी। बोले क्या चाह रहा है तू? तेरा देवता नहीं, तेरा पाप का देवता, कि बस इतना है मेरा, सेवक पना मैंने छोड़ा है, मैं राज्य भी सबको देने तैयार हूँ, बस इतना है। बोले क्या, कि 12 वर्ष वनवास में रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, और 12 वर्ष वनवास में रहने पर और 1 वर्ष अज्ञातवास में यदि पकड़े गए तो फिर पुनः वही 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। उन्होंने ये सोचा कि इनको अपन का सेवक बना पाएंगे और का रख पाएंगे, कल ही जे अपना बल दिखाकर भीम को अगर चले आई, हाँ तो पुनः उसको को रोक पाएगा, कोई दुष्टर क्या करेगा, और दोबारा राज्य ले लेगा, उपद्रव फैल जाएगा। ये 1 वर्ष में तो अपन वैसे ही खोज लेंगे, बल में ही इनकी जिंदगी निकल जाएगी। यूं चाल करके और क्या कहा, धिक्कार है स्वीकार करे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया कि मुझे स्वीकार और क्या कर रहे, स्वीकार करे युधिष्ठिर और मैं पछताते हैं, पांच पांडवों गल में कथा सुनाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यदि अज्ञातवास में पकड़े गए तो फिर वनवास, ऐसी साधक 2000 सागर कुछ समय की मनुष्य फरिया है, कल्याण नहीं कर पाया पुनः निगोद का शर्त है कर्मन की भी, कुछ समय अवसर दे रहे हैं तुम्हारे लिए, काय का त्रिस्फर आय का दीपेश भैया, तो कुछ समय तो तुम चिंटा चिंटी बन कर आओ तो कछु कर ही नहीं पाओगे, ऐसी ऐसी पर्यायें दें जिनमें तुम अपना कल्याण, नरक आदि की पर्याय में तुम्हें कह रखा था, और मनुष्य पर्याय सबसे कम बताई, और यहाँ समस्या इतनी खड़ी कर दें कि तुम्हें समय ना मिले धर्म को। बताओ 6 घंटा तुम्हें सोने ही पड़े हो, और देवों को ना तो दिन में नींद आए ना रात में नींद आए, बढ़िया। अब जो सोचा देव जैसी और आप जो स्वाध्याय करो 24 घंटा, लेकिन बेचारे के पास इतने भोग करो फुर्सत नहीं, और ना भोजन बनाने ना भोजन करने, कितने वर्षों बाद भूख लगे सो कंठ से अमृत जर जाओ 24 घंटा फ्री। अब ऐसे मनुष्य होते तो बरका हो, तो बोलो कन्ना खचू कमाने ना दमाने ना कुछ कर दे, तो फिर भैया जी पढ़ दो खूब स्वाध्याय में बैठते, तब भी भाग भागते, फिर भी भोगन में भागते, समझ लो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देव पर्याय में तुम भी रहे, कितने जाके देव ध्वनि सुनी तुमने, ऐसा फ्री काल था, लेकिन विषय के अनुराग ने बर्बाद कर दिया। तो फिर क्या होता है, युधिष्ठिर जी
अपने आप को धिक्कारने लगे कि मेरी धर्म निधि लुट गई, राज गया, भ्राताओं को सेवक बनाया और आज मेरी धर्म निधि लुट गई जो मुझे धैर्य दिलाया करती थी, आज मेरी विशुद्धि चली गई। ध्यान रखना, वो जुआ आदि में बैठ गए थे, ये उत्सम और उत्सम सम्यक दर्शन तो ऐसा होता है, छायक की कोई गारंटी वहाँ लिखी नहीं है, हाँ कि कब हो जाता है और कब छूट जाए कोई पता नहीं है। चौथे गुणस्थान की क्रियाओं को तुम एकदम उसको प्रमाण करके और अनुमोदना करने लगो और उसी के अनुसार प्रवर्तने लगो, ये योग्य नहीं है, क्योंकि किस समय वो समकृति है और किस समय नहीं है तुम्हें क्या मालूम। उपसम और चौसम धारी जितने भी हैं उनकी दशा जैसे लोही की संडासी है, क्षण माई अग्नि माई और क्षण माई पानी माई, जिस समय वो बोल गए उस समय मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में कोई गलत बात क्या गया और तुमने प्रमाण लगा ली। इसलिए ज्ञानी के वचन आगम अनुसार होते हैं, पर ज्ञानी जो जो कहे वो आगम हो गया हो या सुमत मान ली। हाँ जी ध्यान रखियो, ज्ञानी के वचन आगम अनुसार होते हैं। चौथे आदि गुण स्थान भरती दिगंबर मुनिराजों की बात अलग, वे तो अंदर से बोले और उनकी भी वाणी को वे आगम के अनुसार बताते हैं। और वे कहते हैं कुंद कुंदाचार्य महाराज कहते हैं मैं सर्वज्ञ कह रहा हूँ, सर्वज्ञ परमात्मा की कह रहा हूँ, सब्बाणु सर्वज्ञ परमात्मा जैसा कहते हैं वैसा मैं कह रहा हूँ। टोडरमल जी जब ग्रंथ लिखने जा रहे हैं तो इतने ग्रंथों का कोटेशन दे रहे हैं और ये कहते हैं ये चिंतन मेरा है, मिलेगा ही नहीं ये कहीं। तुम एक बार एक भाई बोले हमारे सामने बैठे, आज ऐसी बात बताएंगे हम तुम्हारे लिए, ऐसा चिंतन वो बताएंगे आगम से कि आज तक तुमने ना वो कोई सुनी होगी किसी विद्वान की, ना कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ी होगी, आज वो बात चलने वाली है। हमने आज जोड़े में नहीं हम जा रहे, क्यों जो हमने कहूँ पढ़ी नहीं है कहूँ लिखी नहीं है और कोई ने बताई नहीं है कुंद कुंदाचार्य आदि भगवंतों ने, तो तुम मन की बात करोगे तो हम सुनने वाले नहीं है। जो हमारे यहाँ तो ये परंपरा से मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा। तो क्या होता है, पांचों पांडवों को जब पश्चाताप हुआ है तो उसमें युधिष्ठिर जी को बहुत खेद हुआ कि मैंने भीम और अर्जुन की बात नहीं मानी। पश्चाताप करते भीम सेन आदि भ्राता समझा रहे, दुखी हो रहे थे, भोजन छोड़ दिया था, खेदित रहते थे, किसी से बात भी नहीं कर रहे, तब वे भाई लोग समझा लगे बनवास ही साम्राज्य है क्यों चिंता कर रहे। भैया कैसी बात करते हो, अपनो बनवास ही तुम्हारे साथ हमारे लिए, अब ये कछु भी समझ रहे थे जाना, अब जो कुछ और बोलेंगे, भैया कैसी बात करते हो, जो होना था हो गया, आप विकल्प मत करो, चिंता राज की नहीं भ्राता धर्म की हम तो करते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी, लेकर उदाहरण लोक जुआ आदि में बरतेगा। चिंता तो हमें धर्म की है, कहोगे परंपरा बिगड़ जाएगी, मेरा उदाहरण लेकर के लोग जुआ आदि में बरतने लगेंगे हैं, पर दशा हुई क्या हमारी ये नहीं निरखेगा। हाँ युधिष्ठिर जी ने जुआ खेले था, युधिष्ठिर जी ने जुआ खेले था तो समझ लो दशा भी वही होने थी। एक बार हमसे कोई बोले भैया जी बरसात में शादियाँ हो सकती हैं कि नहीं, नहीं भैया ऐसा पण नहीं होती हैं, बोले नेमिनाथ भगवान की तो बरसात में ही बरात गई थी। हाँ सावन के वही श्रावण शुक्ला षष्ठी है उस दिन गई है, वो उसी दिन शादी हुई है, बरस बरसात में वही है, तो मैंने नेमिनाथ जैसी बरात बना रहा हो तो कर लो, हम भी तैयार है तुम्हारे तक, तुम्हारी शादी भी अब भी जाएगी, चिंता क्या कर रहे हैं, पर नेमिनाथ जैसी बात होना चाहिए कि बरात कहाँ गई मेरे है, अगर ऐसा करना है तो कर लेना, अभी कोई दिक्कत नहीं कि वो एकदम बैराग के लिए तो कर लो। उदाहरण बहुत जल्दी पकड़ते हैं, ऐसा कैसे है,
भले छलिया सब जगह से छल ग्रहण करता है, द्रव्यान युग में से नहीं प्रतिभान युग में से भी। और क्या होता है, सब सबको समझाया, माताओं को समझाया, और पिता में भीष्म के संरक्षण में सब पत्नियों को माता को देख करके जब जाने लगे तब क्या होता है, पर द्रौपदी बोली दुष्ट से ताते मुझे न छोड़ के जाओ। सब तो तैयार हो गए रह भी, पर द्रौपदी तैयार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, अरे दुष्ट दुशासन का हमको नित डर, दुष्ट दुशासन से हम तो नित ही डरते हैं। पांच पांडवों की मंगल में भले ही बागे सिंह की गुफा में छोड़ देना, अगर आप साथ में ले जाने की व्यवस्था ना बने तो कोई बाघ और सिंह की गुफा मिलेगी ना, वहां छोड़ देना मुझे, किसी अजगर के मुख में छोड़ देना भैया है। ये तात तात समझ गए, बड़े है ना, हाँ ये तात, मुझे तुम भले ही किसी अजगर के मुख में छोड़े आना, परंतु यहां छोड़ करके मत जाओ। पर इस पापी के थान में हमें नहीं रहना, कर विचारे ए दुष्टर साथ ही में ले जाते हैं। पांच पांडवों की मंगल में, सुनो जी मंगल जैन पुराण। इस बेटा कैसी चिंता करती हो, हमारे रहते हुए तुम्हारे शील का कौन कर सकता है, चिंता नहीं करो हमारे साथ ही चलो, अर्जुन साथ में ले चलो द्रौपदी को। और ऐसे करके द्रौपदी साथ में गई, नहीं तो फिर शेष रानियां भी साथ में जाने का प्रसंग क्यों नहीं बना, द्रौपदी का प्रसंग साथ में जाने का मात्र इसी के कारण, दुशासन के कारण से बनाए। और पहुंच गए वे, पहुंचे निर्जन वन में, और दुष्ट जी का चित्त प्रसन्न नहीं रहता था, दुखी रहता था, भगवान मेरी निधि चली गई, मुझे कोई प्राश्चित देने वाला मिल जाए। तो वन में जा रहे थे, और वन में जाते जाते आंखों में आंसू झरने लगे दुष्ट जी के, और क्या सोचने लगे हैं, हे गुरु महाराज यदि युधिष्ठिर का कुछ पुण्य हो तो मुझे दर्शन हो जाए। देखे जंगल मुझे मुनिवर, तुम्हारी याद आ जाए, तुम्हारी याद आ जाए। देखे जंगल मुझे मुनिवर, तुम्हारी याद आ जाए, तुम्हारी याद आ जाए। कछु पुण्य और बचा हो तो दरस बस तुम्रा मिल जाए, तुम्हारी याद आ जाए। गुरु महाराज मेरा, मैं जानता हूँ खुद ही पुण्य छीन कर लिया है, लेकिन यदि मेरा कुछ पुण्य बचा हो तो मुझे अब कोई राज्य, मुझे भोजन न मिले, पानी न मिले, अब पूरा राज्य न मिले, जंगल ही मिले, पर एक बार आपके दर्शन हो जाए, ऐसी भावना भाई है। तो आगे जाके देखते हैं एक दिगंबर संत हाथ पर हाथ रखे हुए विराजमान है। बोलो पीतरागी निर्गंत मा मुनिराज के, धन्य मुनि राजे हमारे हैं, धन्य मुनि राजे हमारे हैं। बोलो धन्य मुनि, पूजा अंजलि में है पढ़ लेना कर, धन्य मुनि राजे हमारे। और धीमे धीमे बोल रहे, सो तो नहीं गए पीछे वालों, हमारे हैं, हमारे हैं, बजा लो थोड़ा, हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, धन्य मुनि राज हमारे हैं।
वनवासी व्यवहार कहत है। बोलो अरे निज में निवसन आरे हैं, निज में ओ धन मुनि राज हमारे। सर्वप्रथम तपा में राजी हुए दिगंबर वीतरागी माँ मुनिराजो की। नहीं साम्राज्य नहीं है वैभव। बोलो फिर भी हैं महाराज रे, फिर भी हैं महाराज रे, मुनिराज की महिमा अपार रे, मुनिराजों की महिमा अपार रे, ऋषिराजों की महिमा। मुनिराज के दर्शन मुनिराज का उद्देश्य अमृत झरना झरने लगा है। हे बस तुम चैतन्य हो, चिंतित नहीं हो, घबराओ नहीं, स्वभाव के आश्रय से सकल विभावों का अभाव हो जाएगा। पुनः प्रायश्चित ग्रहण करते हैं कौन? हाँ दृष्टि जी ने महाराज के चरणों में, हे गुरुवर प्राण चले जाएं तो सूक्ष्म दोष भी अब मेरे से होने वाला, मैं कभी ऐसे कार्य नहीं करूँगा, चाहे पराजय हो जाए कभी भी जीवन में ऐसे कार्य किसी के लिहाज से करने वाला नहीं हूँ। और महाराज ने प्रायश्चित दिया और पुनः महाराज का अध्यात्मय अमृत उपदेश सुन करके निर्विकार चित्त हुआ, निष्पाप तत्व अनुभव में आया। जिसकी खोज लग रही थी वो विशुद्धि लौट के आ गई पुनः समकित, और उस खोई निधि को पाचते दुष्टिर का हर साया, कर नमन गुरुवर को वो आगे गमन करते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। जब आगे बढ़ रहे थे पांचों पांडव, तब आकाशवाणी सुनी, आकाश से आवाज आई, अर्जुन तुम्हें आलावे होएगा। किसी देवी आवाज आई, हे अर्जुन तुम यहाँ रुक जाओ, अब तुमको यहाँ कुछ लाभ होने वाला है। अतः ये दुष्टिर अर्जुन को इस स्थान पर छोड़ करके चले जाओ, ज्यो दिव्य दुनि में आए भव्य तुम लाभ होएगा। तो लाभवाणी तरह परमा तो आकाश से आवाज आती, आकाशवाणी है, तू परमात्मा है, तू पूर्णानंद की खान है, तू प्रमत्त प्रमत्त से पार है, तू गिड़ वेदों से पार है, आकाशवाणी है, दिव्य वाणी है, तेरा कल्याण करने वाली है। भगवान आत्मा छोड़ कर तुम तो अर जाते हो, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हो। सुनो जी मंगल जैन पुरा, जैसे आकाश से आवाज आती है चैतन्य द्रव्य है, ये तेरा लाभ का स्थान से छोड़ मत। अर्जुन से कहा यहीं खड़े रहो, यहाँ लाभ मिलने वाला है, समझ गए ना? तो अर्जुन जी खड़े रह गए, जैसी वो वाणी सुनी युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर की आज्ञा पा अर्जुन अकेले ही रुके, संग का निषेध सुन पुत्री वत द्रौपदी को साथ लेके चले। जब अकेले रुकने की कहा था ना, तो उन्हों का को चिंता करते हो, बेटा तुम चिंता नहीं करो, द्रौपदी हमारे साथ रहेगी।
तो पुत्रीवत ले गए साथ में, किनको? द्रौपदी का। और अर्जुन अकेले वहीं रुक गए कि यहाँ उपद्रव क्या होने वाला है, एक तो समस्या ये है, तो मैं क्या करूँगा द्रौपदी के साथ अकेला। तो बोले विकल्प क्यों करते हो? नकुल और सहदेव बोले वो हमारी माँ है, और भीम और युधिष्ठिर बोले वो हमारी पुत्री के समान है। तुम संरक्षण का विकल्प छोड़ो, तुम्हें क्या लाभ होने वाला है उसको लेकर के शीघ्र हमारे पास आओ। और भी वहाँ पर रुक जाते हैं। तभी बील वेशधारी विद्याधर को आते दिखाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी, और आ करके धनुष बाण छोड़ दिया है, ये मेरे स्थान पर कैसे खड़ा है? कौन बील का वेश बना करके एक विद्याधर आ गया है, और बील का ये मेरा स्थान है, तो ये मौत का डर नहीं लगता क्या? बोले मुझे ललकारती तुझे मौत का डर नहीं लगता? मैं नहीं डरने वाला तेरे से, मुझे तो आकाश से आवाज आई है। तो कर्म नाना रूप बना के आ गए, कहाँ बैठ रहा है तू भगवान के चरणन में, कहाँ बैठ रहा है तू? मैं नहीं डरने वाला, दिव्य धुनी में आया है कि मेरा कल्याण श्री जिनेंद्र के चरणों में होगा। मोए कितना ही कहे उठ चलो उठ चलो, बहुत देर हो गई आज तो नजारे के भाई तक लंगे, उठ मत जाइयो। समझ में आया? देखो छोटे वाला चिंता नहीं करो। हाँ मैं तो कहता हूँ तो पहले की देखो बात की गारंटी की मैं देखूंगा। हाँ अगर तुम पहले की बेईमानी करोगे तो उदय आ सकता है, अर्थात पर हमें भी कहो नजर ही ना जाए उस पर। है लोग बाग कहने लगते भैया जी घड़ी देख लो घड़ी, है घड़ी कहाँ जा रही है? घड़ी यहाँ जा रही है कि घड़ी तुम्हारी सार्थक हो रही है। जिस घड़ी में घड़ी सार्थक हो उस समय घड़ी मत देखना, घड़ियां वहां देखना जहां घड़ी बर्बाद हो रही हो। विकथाओं में घड़ी देखने लगना, कोई फालतू बातें कर रहा हो तो बार बार घड़ी देखिए, जैसे प्रवचनकारों के प्रवचनों में आप बार बार घड़ी देखने लगते हो तो फिर समझते टैब होगा लगता है। आप नहीं देख रहे, मुझे एक भी नहीं दिखता है यहाँ पर घड़ी देखता हूँ। हाँ नहीं बहुत से लोग देखने लगते तो फिर देखते अरे टैब हो गया। ऐसे तुम बार बार क्या करो, कोई भी कथा करने बैठ जाए तब देखो घड़ी बार बार। कहा भैया कचु काम है क्या? क्या भैया? बहुत बड़ा काम है। क्या काम है? ये सो काम करना है कि हमारे पास इतना बड़ा काम है, कुछ पूछो मत ही, बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कहा क्या हजारों भवों का कचड़ा अनंतों भवों का, और एक भव में पूरा हुआ। यहाँ आज पंडित जी आने वाले हैं, बड़े पंडित जी जी कमरा में, और 50 साल से आप कचड़ा नहीं निकलो, और गोलू भैया तुमको पूरे दिन में साफ करना है, पूरे दिन में शाम को आ जाएंगे पंडित जी, साफ मिलना चाहिए। अब तुम क्या करोगे? कोई बीच में गए भैया तुमको वचन दो, हमें जे जे हमें ये काम कराना है जल्दी से, क्योंकि हम अकेले हैं और एक जे हो रहे खड़े हैं एक भैया, बस हमें तो पूरा कर। तुम्हारे वहाँ तो दो लोग खड़े हो, समझ में आया कि पंडित जी आ रहा है? कोई नहीं, हम ही करे थे कछु बात नहीं, लेकिन पूरा दिन है ऐसे ही, इतने भवों का कचरा और समय हमारे पास थोड़ा है भैया, ये कथा में हम टाइम बर्बाद करने वाले नहीं है। तो भील सामने आकर के खड़ा हो गया, और जो उसने बाण देना शुरू किए हैं, तो अर्जुन ने भी अपने बाण लगाना, मोह अपने बाण छोड़े तो भगवान आत्मा रूपी अर्जुन भी अपने बाण छोड़ने छोड़ता है। देखो भील कौन है, और कह रहे थे लाभ मिलेगा, तो क्या लाभ मिलने वाला है? हो गया हाँ, वो उन पर परास्त करेंगे। कोई देव है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वैंतर देव हो और इसने ही आकाश से आवाज़ लगाई हो और अर्जुन पर कोई उपसर्ग करने वाला हो, बाद में ये भेष बना करके आया हो, तो क्या का वो आकाशवाणी झूठी है कि साँची है? या लाभ होने वाला है की हानि होने वाली है? कथा का अगला जैन महाभारत। हाँ
कल आगे यानी चित्रांगद आदि राजकुमारों का अध्ययन, अर्जुन को दुर्योधन को पकड़ना और उसके उपरांत अज्ञातवास का काल, कल कात्यानी विद्या वाला विषय भी चलेगा अगले स्वाध्याय में, कल मतलब प्रातः काम है भैया, वो तो चलेगा जितना हो जाएगा हम दोहराने की शाम को कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी आने का प्रयास करना। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं।